आपको सरप्राइज भी दिखाता हूँ, सरप्राइज रियलिटी में है क्या। ड्राइवर ने दिए। बाय 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 बाय। इसमें जयपुर से पत्थर भर के लेके जा रहे। नमस्कार दोस्तों। नहीं मजा नहीं आया ना, ठीक वापस से कर लेते हैं। गुड आफ्टरनून गाइज, आप सबका आज के न्यू ब्लॉग में मैं राज और ये सिमरन जो ताला वाला लगा रही है, हम दोनों बहुत स्वागत करते हैं। आशा उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन वॉल पे सेट करना, कमेंट जरूर करना कि वीडियो में आपको क्या अच्छा और क्या बुरा सीखेंगे मेरा। दोस्तों यहाँ से एक नई ट्रिप की शुरुआत कर रहे हैं, जा रहे हैं हम यहाँ से वैष्णो देवी। कैसे जाएंगे, क्या क्या चीज़ें लगेंगी, कौन कौन से ऐप का आपको फैसिलिटीज मिलेगा, कौन सा होटल करो, कौन से साधन से पहुंचो, तो इन सब चीज़ों की डिटेल मिलेगी आपको। कब जाना अच्छा होता है, कब जाना बुरा होता है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में पूरा बना रहिएगा। अगर आप इस फैमिली को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके जाना। दोस्तों बजटेज ट्रिप यानी फैमिली के साथ में बजट में ट्रिप करना है ना, तो ये ब्लॉग आपको बहुत इन्फॉर्मेशन दे करके जाएगा। तो चलिए जर्नी शुरू करते हैं। ट्रेन का टाइम है जयपुर से मेरे 4 बजे, तो थोड़ा सा पहले 3 बज चुका है। ऑटो हमारा बाहर वेट कर रहा है, चलते हैं ऑटो में बैठते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सामान हमारा जो है ये है, एक भी ये बड़ा सा बैग है, इसमें जयपुर से पत्थर भर के लेके जा रहे हैं हम। ये छोटा बैग में इसे कपड़े वगैरह है, ये मेरा है जिसमें गैजेट वगैरह और कुछ ऑफिस का काम की चीज़ें पड़ी हुई हैं। इसमें ये एक मिठाई ली है छुटकी के लिए, और ये इनका बैग हो गया, और ये अपनी रेडी है। चलिए ऑटो आते तब मिलते हैं। तो दोस्तों ऑटो में बैठ गए, निकल गए हैं। टाइम की बात की जाए तो 3:10 हो रहा है, 4 बजे की ट्रेन है, बिल्कुल टाइम पे चल रहे हैं। तो थोड़ा सा व्यू का एंजॉय लो, मिलते हैं अपन जयपुर स्टेशन पे चलते हैं। तो गुन्नू अपनी मेहनत कर रही है इस समय, और हम सब पहुंच गए हैं जयपुर रेलवे स्टेशन पे। हाँ जयपुर रेलवे स्टेशन पे आ चुके हैं, चेक इन करते हैं, सामान वगैरह चेक करवाते हैं, अंदर एंट्री करते हैं। बहुत टाइम पे ऑटो वाले भैया ने छोड़ दिया, फ्लैग भाई साहब अपना, तो चलते हैं अंदर एंट्री करते हैं फटाफट। इस तरफ से अंदर से जयपुर रेलवे स्टेशन दिखता है आपके, बस ट्रेन आए फिर धूम धड़ाका मचाते हुए यहाँ से माता रानी के दर्शन करने के लिए निकलेंगे। अगर आप सब पहली बार जाना जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो जय माता दी जरूर लिखना है इसके अंदर कमेंट के अंदर। माता रानी करे आप सबकी मुरादें जरूर पूरी करे माँ, और मेरे माध्यम से मैं आपको माता रानी के दर्शन भी चाहूँगा कि अच्छे से अच्छे दर्शन में करा पाऊँ, और अच्छी नॉलेज अच्छी डिटेल भी बताऊँ कि ट्रिप आप कैसे अच्छी तरह से कर सकते हो। ऐसा डरा दिया इसके अंदर, माँ से लगे करो डर गए बेचारे कितने बच्चे। हैप्पी ये क्यों हैप्पी है, ये आपको आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा कि ज़्यादा हैप्पी क्यों है, क्योंकि इस बार है ना हमारे साथ ट्रिप में कुछ सरप्राइजेज भी हैं जो आपको मिलेंगे, वो नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। पहले यहाँ से हम ट्रेन पकड़े दिल्ली पहुँचे, फिर आगे देखते हैं क्या। अब मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं। आपने हैरी पॉटर मूवी देखी होगी, उसमें भी ऐसा होता है जैसे बीच में ऐसा खंभा होता है, और खंभे कैसे बीच में घुसते हैं और दूसरे रेलवे स्टेशन पर जाके निकलते हैं। अगर हैरी पॉटर देखी होगी आपने तो उसमें ऐसा होता है। तो मुझे ये पढ़ के ऐसा ही लग रहा है कि मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं, मतलब इसे बीच में घुसेंगे और कहीं और प्लेटफॉर्म पर जाके निकल जाएंगे, इसको देख के कुछ वैसा लग रहा है। तो बस अब ट्रेन का वेट है, हमारी ट्रेन वैसे भी टाइम पर चल रही है तो टाइम पर आ जाइए। ट्रेन आती है फिर आपको थोड़ा ट्रेन दिखाएंगे और फिर आगे आपको लेके जाएंगे हम सब। चलो माता रानी करे जैसे जर्नी शुरू हो रही है उसके हिसाब से अच्छी तरह से जर्नी अपनी कंप्लीट भी हो। तो ये रेडी है, अब यहाँ से चलेगी, डिपार्च करेगी, बिल्कुल राइट टाइम है, सिग्नल हो चुका है, उसका वेट कर रहे हैं थोड़ी देर में, और माता रानी की जर्नी अब यहाँ से शुरू हो जाएगी।
हमेशा जिससे ट्रेन बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलती है बिल्कुल सेम वैसे ही मिली है। सिमरन यहाँ बैठी हुई है, ये बहुत खुश है, वो आपको पता चलेगा ये मोटा क्यों खुश हो रखा है ना, ये आपको आगे मालूम पड़ेगा कि इतना खुशी क्यों है। और कुछ चीज़ें हैं वो भी आपको आगे पता चलेंगी। ये भद्दू हैं, बस कुछ देर की और है फिर इनसे बाय बाय कर देंगे, इनको छोड़ देंगे, इनको हॉस्टल छोड़ देंगे हम। ओके ओके भाई, बाय 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 नहीं करो, मैं भी जा रहा हूँ। चलो भाई साहब, चलो चलो चलो, क्योंकि जल्दी स्पीड हो जाती है। तो ये अपनी ट्रेन है जो जयपुर से बिल्कुल राइट टाइम डिपार्ट कर दिया है इसने। ये रहा अपना जयपुर स्टेशन, जल्दी इस पे वापस आएंगे फिर घूमेंगे। तो जयपुर स्टेशन को बाय बाय करते हुए ये अपनी स्पीड को सीन मैंने वहां पे भी रिपीट किया, नहीं देखा तो जाकर के देखना, आई बटन में या फिर नीचे में उसके लिंक ड्रॉप कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। और उसके बाद ये एक्सीलेट करना शुरू करेगी और फुल स्पीड रफ्तार के साथ में भवन की तरफ निकल चलेंगे हम सब। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार माता रानी के दरबार में जाने के लिए, बहुत ज़्यादा। मुझे सारे ट्रिप से सबसे अच्छा ट्रिप यही लगता है, एक खुशी मिलती है माँ के दरबार में जाकर के। आप सबको भी ऐसा फील होता है क्या कि माँ के दरबार में जा रहे हैं तो अपनी माँ से मिल रहे हैं? अगर होता है तो कमेंट करना, मुझे ही बताना, मुझे भी लगे क्या मेरे जैसे और भी लोग हैं। तो इसी हंसी खुशी के साथ में चलते हैं, गांधीनगर कुछ देर में आ जाएगा फिर हम आगे की तरफ निकल चलेंगे। ये अपने दोनों बैठ गए यहाँ पे, ये मेरे नाम से सीट ना बैठ हुआ है, आपके नाम से कोई सीट ही नहीं है, उसने दी नहीं कोई सीट। ड्राइवर ने दी, जाओ ड्राइवर को बोलो जाकर के मेरी सीट पे कोई और बैठ गया, हटाओ। तो दोस्तों ओल्ड दिल्ली हम पहुंचने वाले हैं और जो सरप्राइज था वो अभी यहाँ पे पता चल जाएगा आपको कि क्या सरप्राइज है। थोड़ी देर और बने रहो, थोड़ी देर के अंदर और टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ट्रेन थोड़ी सी लेट आई है यहाँ पे, वैसे होती नहीं है पर आज मैं ही मना रहा था कि लेट हो जाए, और वो मैं क्यों मना रहा था वो आपको थोड़ी देर पहले ब्लॉग में आगे जाके पता चलेगा। तो चलिए आगे मैं ब्लॉग में मिलता हूँ, आपको सरप्राइज भी दिखाता हूँ, सरप्राइज रियलिटी में है क्या, ये ज़्यादा खुश है सरप्राइज मिलने से। पर अभी चेहरे पे इनकी हंसी अभी आई है, वो भी क्यों आई है और पहले हम कैसे, मतलब बहुत सफ़र को बहुत टेंशन में हमने निकाला है तो सब आपको बताता हूँ। बस हम थोड़ा बस प्लेटफॉर्म आ जाए फिर मैं आप सबसे मिलता हूँ। तो जो सरप्राइज सरप्राइज कर रहा था वो दिखने वाले हैं, मैं देख रहा हूँ है कहाँ पे। मेरे सिस्टर इनकी, ये इनकी मम्मा हो गई और ये रहे गुल्लू के नानू जी। तो अब ये सब पहुंचे हैं, तो यही सरप्राइज था जिसके कारण ये पहले तो बहुत खुश थी कि जयपुर निकलने से, रास्ते में परेशान रही और जब इनकी ट्रेन पहले पहुंच गई ना तब जाकर के कहीं इनका इनका चेहरे पर हंसी दिख रही है, मैं तो रास्ते पर रोते वाला मुंह बना रही थी बैठ करके। तो खैर अब सब आ चुके हैं, अब थोड़ी देर में खाना वाना खाएंगे फिर आपसे मिलते हैं। दोस्तों चल रहे हैं अब खाना वाना खाने के लिए, पूरी महफिल जमा ली इन्होंने मस्त वाली, इधर ये सब बैठे तीनों खाने के लिए। यहाँ पे पापा जी और मम्मी जी हैं और ये हमारे मम्मी जी सब्जी है, ये सिमरन बना के लाई है वो,